आज बुधवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व आरंभ हो रहा है जो 30 मार्च रामनवमी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न माता के मंदिरों की रंगाई पुताई व विद्युत साज सज्जा से मंदिर भी सज चुके हैं। प्रतिदिन मंदिरों में सुबह शाम को माता की आरती कर पाठ का आयोजन होगा। बागेश्वरी माता मंदिर के जगदीश ठक्कर ने बताया कि चैत्र शुक्ल पड़वा इसी तिथि से ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था। 2080 वर्ष पूर्व इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शंखों पर विजय प्राप्त की थी और इसे चिर स्थायी बनाने के लिए विक्रम संवत प्रारंभ किया था। इसी दिन नीम के कोमल पत्ते, काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री और अजवाइन मिलाकर खाना चाहिए, इससे रुधिर विकार नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय माता जी। नव वर्ष मंगलमय आप सभी के लिए हो, बहुत शुभकामनाएं। प्रति वर्ष अनुसार यह बागेश्वरी माता मंदिर में चैत्र दुर्गा उत्सव पर्व मनाया जाता है। वैसे वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं, चारों को अपने ही तरीके से माँ के धाम में मनाया जाता है। और चैत्र विशेष इसलिए है कि यहाँ से हमारा एक नया वर्ष आरंभ होता है और हमारे वेदों में ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन यानी चैत्र शुक्ल पड़वा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था और आज के ही दिन विक्रमादित्य राजा ने संवत्सरों पर विजय प्राप्त की थी, तो उन्हीं के नाम से हम विक्रम संवत्सर का प्रचलन करते आ रहे हैं। और नव वर्ष में सबका मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर प्रत्येक जीवात्मा का मंगलमय हो। माँ भगवती सबकी रक्षा करे। नव अन्न नया यज्ञ सबके जीवन में मंगलमय हो। जय माता जी। क्या नाम लिखते हैं? पंडित जगदीश ठक्कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।